आज का दिन इतिहास में अंकित होगा। सिंधिया विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर करैरा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया ने अनेक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। सिंधिया ने आम जनों हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन इतिहास में अंकित हो गया। अयोध्या में रामलला की स्थापना इतिहास में लिख गया है। हमारे देश में युग पुरुष नरेंद्र मोदी की तुलना शिवाजी महाराज से करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती को विश्व पटल पर लाने के लिए कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के लोकार्पण के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से करवा दी है। भारत में राम राज्य स्थापित होने तक ना रुकने का आह्वान किया। राम राज्य का मतलब बताते हुए कहा कि पूरे देश में समन्वय, न्याय, गरीब का अंत, नारी शक्ति, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा। उन्होंने राम राज्य की स्थापना को लेकर हाथ भी उठवाए। भारत सरकार की मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, गारंटी के क्रियान्वयन की गाड़ी बताया है। योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक मिले। उन्होंने करैरा प्रशासन को भी मोदी जी की गाड़ी के प्रचार प्रसार योजनाओं का लाभ दिलाने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत को विकसित करने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया। आयुष्मान इस दौरान प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जसम्मत जाटव, विधायक रमेश प्रसाद खटिक ने भी आमजनों को संबोधित कर विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जानकारी दी। इस गारंटी में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। विधायक कोलारस महेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष राजू बाथम, जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया, एसडीएम अजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, हितग्राही, ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस दौरान छोटी बालिका सलोनी तिवारी ने एक भजन फूलों से सजा दो बगीचा धाम भी सुनाया, जिसको सभी ने सराहा। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ हजारों साल पुरानी आशा अभिलाषा, लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की आराधना, हजारों लोगों की संपूर्ण जीवन का बलिदान एक ही लक्ष्य के साथ, और वो लक्ष्य कि मां भारती का अस्तित्व, मां भारती का गौरव, मां भारती की संस्कार, मां भारती की संस्कृति, मां भारती की आध्यात्मिक शक्ति को दोबारा विश्व पटल पर उजागर करना होगा। मेरे भाइयों, एक लंबी सफर रही है, एक लंबी सफर जो हमारी पीढ़ी की नहीं, हमारे पूर्व वाली पीढ़ी की नहीं, लेकिन युग युग की सफर रही है। शक्ति के प्रति गलत नजरिए से नहीं देखा, लेकिन विश्व की कोई एक शक्ति नहीं है जिसमें हमारे देश में आक्रमण न किया हो, और उन आक्रमणकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा हमारे देश के सभ्यता को नष्ट करने के लिए, हमारे देश के धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे देश के संस्कार और संस्कृति को नष्ट करने के लिए। पिछले हजार वर्षों में हमारे देश की क्षमता को मिटाने के लिए बाहरी शक्तियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन वे जानते नहीं थे
कि ये साधारण माटी नहीं है, ये भारत माता की माटी है। और भारत माता की माटी में अगर कोई साहस करता है किसी चीज को मिटाने के लिए, तो युग युग में नया एक भारत माता का पुत्र या पुत्री जन्म लेती है, जो दोबारा डंके की चोट पर भारत माता को दोबारा स्थापित करने का कार्य करता या करती है। बहुत सारे आक्रमणकारियों ने देश में आकर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे उज्जैन में महाकाल का मंदिर हो, चाहे दक्षिण भारत के मंदिर हो, और चाहे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम हो, मिटाने की पूर्ण कोशिश की थी। पर युग युग में एक नया शक्ति का रूप लेकर मां भारती ने दोबारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता संस्कार को स्थापित करने का कार्य किया। और हमारे युग में ऐसा ही एक युग पुरुष ने गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्म लिया, 70-72 साल पहले। मेरे भाइयों ने रग रग में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हम मराठाओं के सर सेनापति, हम मराठाओं के अग्रिम राजा ने हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ने का कार्य किया था, वैसे ही एक युग पुरुष ने अल्पायु से अपने आप को मां भारती की भव्यता, संस्कार और संस्कृति को राष्ट्र और विश्व पटल पर उज्जवल करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निर्णय ले लिया। और आज वही युग पुरुष ने, जिस युग पुरुष ने कश्मीर से 370 हटाया, जिस युग पुरुष ने इस देश के झंडे को विश्व पटल पर गाड़ने का कार्य किया, आज उसी युग पुरुष ने जो सौगंध खाई थी, सौगंध खाई थी कि भगवान राम को, राम लल्ला को दोबारा अयोध्या में स्थापित करेंगे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा करके राम लल्ला को दोबारा अयोध्या धाम में विराजमान बना दिया है। आज पूरा देश और पूरा विश्व राम राज्य और राम राजा का एक स्वरूप यहाँ बना है, उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ। साथी बंधुओं, सर्वप्रथम मैं इसके बाद आप सबके चरणों में नमन करता हूँ कि आपने जो सर्वे की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी से कौन जीतेगा, इसके लिए सर्वे किया, सर्वे में नाम पहुंचाया मेरा, और नाम के बाद आपने मुझे विजय दिलाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डबल धन्यवाद उनको देता हूँ जिन्होंने की सामने सामने की लड़ाई में हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय दिलाने में, आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया जिसने भी विरोध किया उसका, इसलिए मैं उनको डबल धन्यवाद देता हूँ। बंधु, ये यात्रा चल रही है हमारे मोदी जी की, संकल्प यात्रा है विकसित भारत यात्रा, जिसमें मैं कई गांवों में गया हूँ हमारा साथ, और उसमें बहुत से लोगों का लाभ हो रहा है,
बहुत से लोगों के लिए उनके लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उनके लिए, और क्या बोलते हैं सिलेंडर मिल रहे हैं, आवास जिनके लिए नहीं मिले हैं उनकी सर्वे हो रही है। इस तरह से जो योजना है हमारे मोदी जी की, तमाम योजना और तमाम नामांकन हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी द्वारा घोषणा की गई कि नामांकन होना चाहिए, वो भी गाँव में जाकर लोगों को लाभ मिल रहा है, इससे लोगों का लाभ हो रहा है। बंधु यह यात्रा, ये संकल्प यात्रा का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, तो इसका लाभ सबको मिल रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है, यह गाड़ियां पूरे भारतवर्ष में, यह ऐसी